आई एम, ये हो गया राइट और इसमें जोड़ दिया आपने आई एन जी। आई एम राइटिंग ए लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आई एम राइटिंग ए लेटर और इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि मैं एक पत्र लिख रहा हूं, यानी काम कंटिन्यू है, काम बदस्तूर जारी है। ओके, अब मैंने इस वाक्य में क्या किया कि जो आई है उसके स्थान पर सब्जेक्ट बदला मैंने, क्या बन गया यहां पर होगा कि वी के बाद में किसका प्रयोग करोगे, एम का तो कर नहीं सकते आप। और मैंने क्या कहा कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, इज एम अथवा आर आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आई एन जी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इस तरीके का इसका सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। और आपका सेंटेंस बन गया, आई एम राइटिंग ए लेटर, में एक पत्र लिख रहा हूं, इस बार एम नहीं आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, वी आर राइटिंग ए लेटर, वी आर राइटिंग ए लेटर, हम एक पत्र लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग ए लेटर, हम एक पत्र लिख रहे हैं। या फिर मैंने कर्ता चेंज किया, इस बार मैंने कर दिया यू, और आपका सेंटेंस बना यू आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, यानी कर्ता बदला। तो देखो यहां भी सहायक क्रिया आ रही है, यहां भी आ रही है। चौथा मैंने किया ही, और ही के साथ आएगा ही इज राइटिंग ए लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। इसके बाद भी ही के स्थान पर अगर मैंने शी किया, देखना आप, ही के स्थान पर कर दिया मैंने शी, शी इज